दोस्तों, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास फैक्ट्री और घर बनाने के लिए लोगों को एक और मौका मिलने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के आवासीय व औद्योगिक भूखंडों की योजना 20 फरवरी को लॉन्च होगी। इस योजना में 1000 से अधिक भूखंड हैं। वहीं औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में इस बार एक नई शर्त जोड़ी गई है। इसके लिए वही कंपनी आवेदन कर सकेगी जिन्होंने 2019 और 20 में GST भरा होगा। यमुना प्राधिकरण आवासीय भूखंडों की योजना लाने जा रहा है। इसमें 60 वर्ग, 90, 120, 200, 300, 500, 1000, 2000 और 4000 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे। 20 फरवरी को लॉन्च होने वाली इस योजना में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किए जा सकते हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण ने 20 फरवरी को ही औद्योगिक भूखंडों की योजना लाने जा रहा है। इस योजना में 300 वर्ग मीटर, 450, 1000, 1800, 1952 व 3000 वर्ग मीटर के भूखंड होंगे। यमुना प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि सेक्टर 32-33 में जनरल MSME के लिए 296 भूखंड है। ट्वाय सिटी में 24, हैंडीक्राफ्ट व फर्नीचर यूनिट के लिए 47 भूखंड है। सिंह का कहना है कि भूखंडों की संख्या कम अधिक हो सकती है। इस बार औद्योगिक आवंटन में एक नई शर्त जोड़ी गई है ताकि सभी लोगों को आवंटन किया जा सके। शर्त के अनुसार 2019-20 में GST रिटर्न दाखिल करने वाली कंपनी को ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। सभी श्रेणी में स्टार्टअप के लिए 20% आरक्षण रहेगा। स्टार्टअप में आवेदन करने के लिए डिपार्टमेंट फोर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।